हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन की। स्टैटिक डेटा मेंबर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या था। अच्छा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन यानी कि एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन केवल अपने अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर या फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर सकता है। यानी कि अगर नॉर्मल कोई भी डेटा मेंबर है या फिर नॉर्मल कोई भी फंक्शन है क्लास के अंदर, तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर नहीं है तो एग्जांपल में देखिए। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ है स्टैटिक, मैं इसको पहले समझाता हूँ फिर मैं इस टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है, बेहतर रहेगा। ओके, तो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके स्टैटिक डेटा मेंबर हम लोगों ने क्रिएट किया है। स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना है और इस तरीके से आपको अपना स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्रिएट करना है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन आप क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं या फिर क्लास के बाहर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों ही का ही सिंटेक्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ मैंने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, ठीक है। तो स्टैटिक लिखना है आपको कीवर्ड मेंबर फंक्शन लिखने के लिए। स्टैटिक मेंबर फंक्शन लिखने के लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना है, रिटर्न टाइप या डेटा टाइप लिखना है, फंक्शन नेम लिखना है और यहाँ आप अपना आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। ओके, क्लास के बाहर डेटा टाइप, क्लास नेम, डेटा मेंबर और इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप इनिशियल इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। ये था स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए। जब भी हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर लिखते हैं तो उसे बाहर में हमें डिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग ऑलरेडी डेटा मेंबर में पढ़ चुके हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर में। ओके, ना इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को मैंने क्लास के बाहर यहाँ डिफाइन किया, इसके लिए मैंने डेटा टाइप लिखा है या रिटर्न टाइप, जो भी कहिए आप। वैसे डेटा टाइप और रिटर्न टाइप में डिफरेंस होता है, बट फिलहाल यहाँ के लिए दोनों एक ही है। ओके, क्लास नेम आपको लिखना है अपना, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना है और फंक्शन नेम लिखना है। ओके, देन यहाँ इन ब्रेसेस के अंदर आप अपना फंक्शन बॉडी लिखते हैं। याद रखिएगा कि इस फंक्शन में आप केवल स्टैटिक डेटा मेंबर या फिर स्टैटिक, सॉरी यहाँ आर मिसिंग है, तो स्टैटिक डेटा मेंबर या फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी नॉर्मल फंक्शन जिसमें कि स्टैटिक कीवर्ड ना हो या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मल डेटा मेंबर जिसमें कि स्टैटिक कीवर्ड ना हो, उसको आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते अपने स्टैटिक मेंबर फंक्शन में। क्लियर है? जैसे कि अगर इंट एक्स सिर्फ लिखा हुआ इंट एक्स और इस एक्स को आप यहाँ अपने फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि वह एक स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं है। क्लियर है? ये था, ये हम लोग देखा ने कि देखा कि किस तरीके से हम लोग क्लास के बाहर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब देखिए कि क्लास के अंदर कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। ये क्लास के अंदर डिफाइन करने के लिए आपको सेमी कॉलन पहले यहाँ से हटाना है और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। आपको फंक्शन बॉडी लिखना है जिसमें आप लोग स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ फंक्शन को कॉल कैसे करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए यूजुअली हम लोग यूज़ करते थे ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर, सॉरी यूज़ करते थे हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम। इस तरीके से हम लोग यूजुअली कॉल करते हैं अपने फंक्शन को क्लास में, जब हम लोग क्लास का प्रोग्राम बना रहे हो तब। लेकिन यहाँ चूंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट से इसको कॉल नहीं कर सकते। यहाँ हम लोग कॉल करते हैं क्लास नेम से, यानी कि इसको कॉल करने का, फंक्शन को कॉल करने का ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। क्लास नेम लिखना है आपको, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है, देन फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में नंबर, अगर नंबर क्लास का नाम हो सकता है आपका, और यहाँ आपने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया, यहाँ आपने डिस्प्ले फंक्शन का नाम लिखा हुआ। इस तरीके से आप अपने स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। ना चलिए देखते हैं इसका एक लाइव एग्जांपल और समझते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है काउंटर का, ठीक है। क्लास नेम है काउंटर, स्टैटिक डेटा मेंबर मैंने क्रिएट किया है जिसका वेरिएबल है काउंट। ओके, नाउ इंट एन मैंने एक जनरल सा डेटा मेंबर क्रिएट किया हुआ है जो कि स्टैटिक नहीं है। पब्लिक में मैंने लिखा हुआ है वाइड सेट डेटा, जो कि डेटा लेगा। ओके, और उसको मैंने इंक्रीज किया हुआ है। ओके, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है एन इक्वल काउंट। ओके, नाउ नीचे आते हैं, यहाँ एक और फंक्शन लिखा हुआ है मैंने, सो वैल्यू ऑफ एन वाइड, द वैल्यू ऑफ एन इज, एन में जो भी स्टोर होगा आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा इस फंक्शन के थ्रू। स्टैटिक, यहाँ मैंने एक मेंबर फंक्शन क्रिएट किया जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि काउंट, सॉरी सी आउट काउंट, और काउंट में हम लोग जो भी स्टोर होगा वो हम लोग देख पाएंगे। क्लियर है? देखिए काउंट और सी आउट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, एक एन का। नाउ
क्लास के बाहर आते हैं, क्लास के बाहर सबसे पहले मैंने अपने स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन किया है। यहाँ मेन फंक्शन में मैंने काउंटर C1 और C2 नाम का दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और सबसे पहले मैंने कॉल किया अपने स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। कॉल करने के लिए मैंने क्लास नेम और अपने फंक्शन का नाम लिखा, जो कि सो काउंट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो जब ये कॉल होगा तो आपको आउटपुट देखेगा 0, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक हम लोगों ने काउंट में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू क्या है, 0 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो आपको यहाँ 0 दिखेगा इसका आउटपुट। और चलिए इसको हम रन कर लेते हैं और साथ में समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं रन कर रहा हूँ। ओके, मैंने रन किया तो यहाँ आपको काउंट पहली जब ये कॉल किया गया तो ये 0 दिख रहा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसका वैल्यू, हम लोग इसको वैल्यू सेट कर रहे हैं C1 ऑब्जेक्ट में, सेट डेटा के थ्रू हम लोगों ने वैल्यू सेट किया। सेट डेटा क्या करता है, देखिए काउंट के काउंट को प्लस प्लस यानी कि काउंट को बाय वन इंक्रीज करता है, और इस काउंट के वैल्यू को n में स्टोर कर देता है। ओके, ना सिंपली अगर हम लोग सेट डेटा को देखें तो ये सबसे पहले तो बाय वन इंक्रीज करेगा काउंट को, तो यहाँ हम लोगों ने C1 सेट डेटा किया तो ये इंक्रीज हो गया बाय वन। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि काउंट का दूसरी बार काउंट इक्वल आपको दिख रहा होगा 2, क्यों, क्योंकि देखिए पहली बार जब ये सेट किया C1 ऑब्जेक्ट से सेट डेटा तो काउंट 0 से यहाँ इस फंक्शन में 1 हो गया। ओके, ये तक यहाँ तक तो क्लियर। देन दूसरी बार भी C2 ऑब्जेक्ट से सेट डेटा को कॉल किया गया है तो ये फिर एक बार और इंक्रीज होगा, यानी कि 2 से अब ये हो जाएगा काउंट का वैल्यू। दो बार सेट करने के बाद इसको कॉल किया गया है, किसको, सो काउंट को। तो अब जब दो बार कॉल करने के पहले यहाँ 0 था, यहाँ कॉल किया गया तो ये 1 हो गया, यहाँ कॉल किया गया तो ये 2 हो गया। तो अब हम लोग काउंट को और प्रिंट करते हैं इस फंक्शन को कॉल करके, तो वहाँ आपको काउंट का वैल्यू दिखेगा 2, जो कि यहाँ आपको 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ओके, नाउ एक तीसरा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया काउंटर C3, और C3 सेट डेटा हम लोगों ने फिर से किया। फिर से हम लोगों ने सेट डेटा किया यानी कि इस फंक्शन को, सेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है तो वहाँ फिर से काउंटर 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने कॉल किया हुआ सी सो काउंट, अब सेट डेटा करने के बाद जो कि इंक्रीज हो गया बाय 1 काउंट, अब 3 हो गया है। फिर मैंने सो काउंट को कॉल किया तो सो काउंट के थ्रू हमें ये शो हो रहा है काउंट 3। ओके, C1 सो वैल्यू ऑफ n, जब C1 सो वैल्यू ऑफ n यानी कि पहली बार जब ये सेट हुआ, देखिए पहली बार जब ये सेट हुआ C1.setData, जब ये कॉल किया गया तो जब डाटा सेट हो रहा है तो यहाँ पहले 0 था काउंट का वैल्यू 0, लेकिन पहली बार जब ये इसको कॉल किया गया तो ये काउंट का वैल्यू तो 0 ज़रूर होगा लेकिन ये बाय 1 इंक्रीज हो गया जब इसको यहाँ कॉल किया गया, इस ऑब्जेक्ट से जब इसको कॉल किया गया तो काउंट का वैल्यू 1 हो गया, और n इक्वल लिखा हुआ काउंट, सो अल्टीमेटली n इक्वल 1 दिखेगा आपको जब इसको आप कॉल करेंगे, तो ऑब्जेक्ट 1 जब आप कॉल करते हैं तो आपको 1 दिखता है। ओके, इसलिए यहाँ C1.showValueofn जब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया जाता है तो आपको 1 दिखेगा। देन यहाँ देखिएगा फिर C2setData किया गया, C2setData जब किया गया तो काउंट का वैल्यू फिर से 1 इंक्रीज हो जाता है यानी कि 2, और n इक्वल हो जाता है 2, तो दूसरी बार ये 2 आपको दिखेगा इस फंक्शन के थ्रू। ओके, फिर तीसरी बार देखिए इसको C3setData किया गया है, अभी तक n का वैल्यू 2 था, फिर काउंटर इसको इंक्रीज करेगा बाय 1, काउंटर खुद इंक्रीज होता है, जब काउंटर खुद इंक्रीज होता है 3 हो जाता है, और तो n का वैल्यू अल्टीमेटली 3 आपको मिलता है। तो यहाँ आपको n के थ्रू जब इसको कॉल किया जाएगा तीसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू तो आपको n का वैल्यू 3 मिलेगा, जो कि आपको आउटपुट आपको यहाँ 3 दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करता है। सिंपली इतना याद रखिए कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम इस मेंबर फंक्शन में केवल स्टैटिक डेटा मेंबर या फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर पाते हैं, किसी और को नहीं। ठीक है, बस इतना ही फिलहाल ध्यान में रखिए तो आप, आपका ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, और जैसा कि स्टैटिक डेटा मेंबर में होता था कि यहाँ ये जो आया, यहाँ तो पहले 0 था, 0 से इसमें आपका 1 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, तो जब आप लास्ट टाइम इसको कॉल करते हैं तो ये आपको 2 दिखाई देता है, 1 नहीं दिखाई देता, यानी कि इसमें भी
स्टैटिक मेमोरी फंक्शन अगर है तो इसमें भी समझिए, एक सिंपली इतना समझिए, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। अगर स्टैटिक डाटा मेम्बर चूँकि है इसमें यूज़ हो रहा है, तो ये एक ही लोकेशन तीनों ऑब्जेक्ट से शेयर कर रहा है, इसीलिए आपको यहाँ वन नहीं दिख रहा बल्कि टू दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। ओके, जब इसको आप सो काउंट को कॉल करते हैं तब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसीलिए मैं आपको कंक्लूज़न बता देता हूँ इस पूरे प्रोग्राम का। पूरे प्रोग्राम का कंक्लूज़न बस इतना ही है कि स्टैटिक मेम्बर फंक्शन स्टैटिक डाटा को एक्सेस कर सकता है या फिर स्टैटिक मेम्बर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, क्लियर है। दूसरा कंक्लूज़न ये है कि स्टैटिक डाटा मेम्बर एक ही लोकेशन क्रिएट करता है और इसी लोकेशन को एक क्लास के सभी ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।